बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में अगर उनकी पार्टी को दोबारा मुंतखब किया जाता है तो ऐसी सूरत में तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हर साल सरकारी जायदादों पर तकर्रात किए जाएंगे और एक जॉब कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। बेरोजगार नौजवानों के सरकारी मुलाजमतों के ख्वाबों की तकबीर का वादा करते हुए केटीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 9.5 साल के दौरान रियासती हुकूमत ने 2,30,000 सरकारी जायदादों को पुर करने के इकदाम किए। उन्होंने कहा कि पहले ही 1,30,000 जायदादें पुर की जा चुकी हैं और बाकी जायदादों पर बहुत जल्द तकर्रात होंगे। करीमनगर टाउन में 4 शुम्बे को अवामी आशीर्वाद सभा में हिस्सा लेते हुए केटीआर ने हैदराबाद में हाल ही में प्रवालिका की मौत पर भी इजहार ख्याल किया और अपोजिशन जमातों पर तनकीद की जो इस मसले को सियासी रंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि इस लड़की ने एक नौजवान की हरासानी की वजह से ये इंतहाई इकदाम किया लेकिन अपोजिशन जमातें अपने सियासी फायदों के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे भाई बहन है, अब तमाम भाइयों से बहनों से भी गुजारिश है, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, पिछले 9.5 साल में आज तेलंगाना में एक अमन और भाईचारा आज देखने को मिल रहा है। एक खुशहाली है, हमारे घरों में हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे तालीम दिया जा रहा है। आज 206 स्कूल हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम बच्चों के वास्ते, क्रिश्चियन बच्चों के वास्ते 206 स्कूल खोले गए, जिसमें 75,000 से ज्यादा बच्चों को और बच्चों को आज अच्छा सा अच्छा अच्छे से अच्छा तालीम दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि हमारे बच्चों को दुनिया से लड़ने की ताकत, दुनिया से लड़ने की काबिलियत उनमें देने के लिए, उनमें लाने के लिए आज केसीआर साहब कोशिश कर रहे हैं। केसीआर साहब ऐसे लीडर हैं जो किसी एक जमात के या किसी एक तबके के लीडर नहीं है। केसीआर पूरे तेलंगाना के हर दिल अजीज है। केसीआर साहब आज हर तेलंगाना के जो शख्स है, हर तेलंगाना